नमस्कार दोस्तों, आज है 13th of December 2022 मंगलवार। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन है, जहाँ पे हम कुछ छोटा मोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, छोटा बट मोटा। तो उसी के रिगार्डिंग एक प्रेजेंटेशन ये है निफ्टी फिनसर का स्पॉट प्राइस, जो अभी का टाइमिंग से आपका टाइमिंग से 12:18 मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। ये है 19,415। लेफ्ट वाला आपका वीकली चार्ट है, ये मिडिल वाला डेली चार्ट है, और ये राइट वाला जो है आवरली चार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे वीकली भी अबव 60 सुपर बुलिश, डेली में ये 60 में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और भी अच्छा बुलिश है, और आवरली पे ऑलरेडी अबव 60 है। मे भी देर में भी थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, करेक्शन के बाद फिर सब्सिक्वेंट डेज में ये ऊपर जा सकता है। दैट बीइंग द केस, एज ऑफ नाउ हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट बनने का कोशिश हो रहा है एज पर द प्राइस एक्शन, वो हो सकता है आपका 19,350 ये है, और अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश करेंगे तो समय हियर 14,500 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ये हो गया प्राइस के हिसाब से एक रेंज आइडेंटिफिकेशन। नीचे 350 एंड ऊपर 500 का रेंज। अभी हम देखेंगे कि ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट का क्या बोल रहा है। ये आप देखोगे ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, जहां पे एट द मनी 19,400 वहां पे पुट राइटर्स आर मोर देन द कॉल राइटर्स। In the case, put है 67 lakhs में, call है 46 lakhs. नीचे 350, 19,350 में put writer से 59 lakhs and call writer से 13 lakhs. And ऊपर में आपका 450 में है, call है 61 lakhs का, put है 20 lakhs. That being the case, as per the open interest, आज का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो है 19,450 से 19,350, यानी नीचे 19,350 एंड ऊपर 19,450, उसके अंदर में ही ये एक्सपायरी होना चाहिए। ये हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, और ये हमारा हो गया 500 एंड 350, जो हो गया आपका एज पर द प्राइस एक्शन का जो रेंज हो सकता है। अभी देखिए कि मॉर्निंग से मैं थोड़ा सा पोजीशंस ले चुका हूँ। मॉर्निंग में मैं पहले 300 का पुट को शॉर्ट किया था, छोटा एक क्वांटिटी 400 क्वांटिटीज फॉर 10 लॉट्स, जिसमें मैं ऑलरेडी क्योंकि प्रीमियम कम हो गया तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। फिर मैंने 350 को शॉर्ट किया था, 350 को शॉर्ट करने के बाद वहां से पार्टली बुक करके मैं फिर 400 को पी को शॉर्ट किया, यानी अभी मेरा जो पोजीशंस पी में है 400 का शॉर्ट है एंड 350 का शॉर्ट है, एंड ऊपर में मेरे को 450 का कॉल को मैंने शॉर्ट किया है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे को 350 का पुट को शॉर्ट करना था एंड 450 के कॉल को शॉर्ट करना था। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे 19,400 का पुट को मैंने शॉर्ट किया है। अभी प्राइस आप देखो कि नीचे आ रहा है, इसीलिए मेरा जो एम टू एम है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। ये ड्यूरिंग द डे हाईएस्ट ऑलमोस्ट 8,000 के ऊपर चला गया था यहाँ पे, और मेरा दूसरा अकाउंट में और एक पोजिशन मैंने लिया है, जहाँ पे मैंने आप सिर्फ पुट को शॉर्ट 350 पुट को शॉर्ट किया, कॉल को मैंने शॉर्ट नहीं किया। यहाँ पे 30 लॉट्स मैंने शॉर्ट किया है, छोटा प्रीमियम, इसी में आप देखो 6 रुपया 70 पैसे में
शॉर्ट किया एंड उसके अगेंस्ट में जो मैंने हेज किया वो है आपका 19,200 को हेज किया। सो मेरे को यहाँ पे अगर मेरे हिसाब से 350 के ऊपर ही क्लोज रहता है तो 6.7 माइनस 1.05 यानी 5 रुपया 65 पैसा मिलेगा इंटू 1200 यानी यहाँ पे मेरे को करीबन 6,780 रुपया 6,780 रुपीज यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ये क्योंकि मैंने 400 पी को भी शॉर्ट किया जो एट द मोमेंट मेरा एमटीएम लॉस कर रहा है, ये अगर 400 एंड 450 के अंदर में रहता है यहाँ पर भी मेरे को अच्छा खासा प्रीमियम मिल सकता है जो मैंने यहाँ पे 16 रुपये में शॉर्ट किया था जो अभी स्लाइटली अगेंस्ट में है 20 रुपये करीबन। तो 20 इंटू 600 ये हो जाएगा मेरा 1200 12,000 एंड यहाँ पे 6 इंटू 4,000 5.9 इंटू 400 तो करीबन 1400 ऑन कॉल रेटिंग में मेरे को मिल सकता है एंड जो पुट रेटिंग में मेरे को मिल सकता है एंड कॉल रेटिंग में अगर मेरे फेवर में जाता है तो ये 10 प्लस 10.55 करीबन यहाँ पे और 16,000 मेरे को मिल सकता है। 16,21,000 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 6,700 21,000 प्लस 6,700 सो करीबन 27,000 का ये मेरा एक एंटीसिपेशन चल रहा है ट्रेडिंग में। अगर ये 400 और 450 के बीच में क्लोज दे देता है बाय मींस 315 तक भी आता है उससे पहले एक्चुअली बेसिकली आई एग्जिट एट 3 o'clock क्योंकि 3 o'clock के बाद जनरली काफी वोलेटिलिटी रहता है तो लास्ट मोमेंट के लिए मैं इंतजार नहीं करूंगा। 3 o'clock में ही शार्पली मैं इसको एग्जिट कर लूंगा। एग्जिट करके मैं आपका जो भी प्रीमियम है सो एग्जैक्टली 27,000 अगर मान लीजिए 3 o'clock तक ये 400 साढ़े 400 के बीच में रहता है 19,400 एंड 19,450 के बीच में ही रहता है तो मेरा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो 27,000 का है। पर 3 o'clock में क्लोज कर दूंगा तो ये एग्जैक्टली 27 होगा नहीं, मैं भी 20,000 के आसपास हो सकता है। तो अभी मैं इसका रिकॉर्डिंग बटन बंद कर देता हूँ। सब्सिक्वेंटली 3 बजे फिर मैं इसी का कंटिन्यूएशन लेके देखूंगा कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। वेल फ्रेंड्स अभी है 1:16 एंड फिन निफ्टी जो है 19,399 पे। हमारा जो एज पर द प्राइस सेक्शन था 350 का 19,350 एंड ऊपर में 19,500 and as per the open interest it was 450 on the higher side and 350 on the lower side. और मेरा जो position था वहाँ पे 350 का एक short 350 put का short and 400 put का short था and ऊपर का 450 call का short। तो 400 वाला जो put है हल्का सा loss में चल रहा है क्योंकि ये वहीं पे आ चुका है जहाँ पे है लेवल। ये थोड़ा सा 20-25 में जाएगा 19,425 तक जाएगा तब मुझे थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट यहाँ पे दिख सकता है और बेटर प्रॉफिट दिख सकता है। एंड अगर ये आपका फायर्स में देखोगे तो वहाँ पे 2,700 एज ऑफ नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9,000 to 10,000 रुपीज। अभी ये स्ट्रेटेजी पे ये डिपेंड कर रहा है कि मेरा ये क्लोजिंग कहाँ पे है। आई विल बी मोस्ट बेनिफिशियल अगर ये 400 एंड 450 के बीच में रह जाता है फॉर लेस फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर्स। सबसे बेस्ट होगा 20 और 30 के बीच में अगर रह जाता 19,420 एंड 430 के बीच में रह जाता है। तो अभी मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ फिर अगेन वंस अगेन सब्सिक्वेंटली में देखेंगे कैसे बिहेव करता है। अभी टाइम हुआ है 14:31 2:31 फिन निफ्टी का प्राइसिंग ये है कि 19,394 तो
एक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी ये 19,400 में कॉल जो ऑप्शंस राइटर है दैट इज 93 लाख एंड ऑप्शन राइटर्स जो है वो 59 लाख, सो स्टिल इट इज इंटैक्ट बिटवीन 350 एंड 450. नाउ 400 19,400 इज ए डिसाइडिंग फैक्टर. अभी आते हैं कि मेरा ये जो पोजीशन था, मैंने 400 का पुट को शॉर्ट किया था जिसमें मैंने छोटा लॉस में बुक कर लिया, करीबन 1,000 रुपीज का लॉस आया है बुक कर लिया. उसको काट के मैंने फिर दोबारा 350 को रीइंस्टेट किया. सो अभी मेरा जो पोजीशन है 350 पुट 19,350 पुट जिसमें अभी 6,500 रुपया मिल रहा है, अभी भी करीबन 3,000 रुपये का बाकी है बैलेंस सब्जेक्ट टू द क्लोजिंग. और 400 का कॉल, पहले मेरा 450 का कॉल था जिसमें मैंने छोटा उसको काट के मैंने नजदीक 400 में लाया था. इसका कारण ये है कि जब ये नीचे आया था करीबन 19,370-75 के आसपास, उस समय मैंने 450 कॉल को स्क्वायर करके 400 कॉल को शॉर्ट किया था ताकि मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मिले. लेकिन एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सा छोटा लॉस दिखा रहा है, करीबन 610 रुपये का लॉस दिखा रहा है. यहाँ पे 5 लॉट है, ज़्यादा नहीं है. और मेरा दूसरा जो अकाउंट है फायर्स में अभी एज ऑफ नाउ मेरा जो यहाँ पे 1200 क्वान्टिटी था वो 4,000 रुपया दे रहा है. और मैंने और एक 450 को छोटा एक अमाउंट शॉर्ट किया था 280, यानी 5, 6, 7 लॉट्स मैंने 450 कॉल को शॉर्ट किया था, उसमें भी छोटा प्रॉफिट है 9,000 रुपीज का करीबन है. मैं दूर का कॉल पुट बाय किया था हेजिंग के लिए तो ब्रिंग डाउन द मार्जिन, बिकॉज ऑफ विच अभी नेट टू नेट करीबन 4,000 रुपया है और इधर करीबन 6,000 है, 7,000-11,000-11,500 रुपये एज ऑफ नाउ है सब्जेक्ट टू क्लोजिंग. ये क्लोजिंग अभी दैट बीन द केस सिंस मैंने 350 का यहाँ पे पुट राइट किया और इधर भी 350 का पुट है, सो प्राइस जो है 350 के नीचे जाना नहीं चाहिए. और ऊपर में यहाँ पे मैंने 400 का कॉल शॉर्ट किया और इसमें मेरा 450 का कॉल शॉर्ट किया. आई विल बी सेफ इफ इट इज क्लोजिंग बिलो 400. इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है आई विल बी सेफ. फिर भी मैं प्राइस एक्शंस को देख रहा हूँ, अगर फेवरेबल ना लगे तो मैं फिर दोबारा 400 का जो कॉल मैंने शॉर्ट किया था उसको स्क्वायर ऑफ पेपर छोटा लॉस बुक कर लूंगा. तो वन सेकेंड, अभी 2:35 है, बाय 3 o'clock आई विल स्क्वायर ऑल माय पोजीशंस, क्योंकि 3 बजे के बाद एक बहुत ही रप्चिक मूवमेंट देता है. बोले तो आइदर साइड में जूम अप या जूम डाउन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट होता है. जितना भी यहाँ पे हमने दिन भर में प्रीमियम को समेटा पूरा का पूरा एक पल में 2-4-5 मिनट में ही पूरा का पूरा ओम स्वाहा हो जाता है. दिस इज द रीजन मैं डॉट एट 3 o'clock मैं अपना पोजिशन स्क्वायर कर लूँ. तो वंस अगेन मैं इसका रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ. आपका जो टाइम हुआ है 2:48 मार्केट अभी है 387 और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे 400 में कॉल राइटर्स 1.02 सीआर का है एंड पुट राइटर्स 54, यानी देयर आर हायर चांसेस कि ये 400 के ऊपर क्लोज नहीं देगा. प्राइस है आपका 385. तो मैं अभी मेरा इधर है 5,700 और इधर है मेरा 14,000 का मेरा प्रॉफिट है ऑलमोस्ट माय टारगेट दैट इज 15,001%. तो मैं अभी ये पोजीशन स्क्वायर कर रहा हूँ. तो इधर स्क्वायर करने के बाद इसमें मेरे को 8,300 रुपया आया है और ये जो है आपका फायर्स वाले पे मैं पहले सेल वाले को स्क्वायर कर देता हूँ.
यहाँ पे 5,738 और इधर है 8,000, थोड़ा सा घट गया है, 8 + 13 14,000, which is almost near my target. So, मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ. So, last moment में पंगा ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ. That is why, काम भी है. Because of which, I am not waiting for till 3 p.m. and I have closed it by 2:53. Thank you and have a good day.